बोलने लगी अरे नाला में से निकलता है वो आता है। बस इतना फोन हो गया है कि एक फोन इधर एक फोन उधर गिरा रहा था, देख रहे किधर लगती है। चमक चांदनी का पालक और शादी का दूसरा साल है तो करवा चौथ पहला कैसे हुआ। और हाँ मम्मी जो भेज रहे उनको भेजने दो ना उनके मन से। और क्या मना कर दिया क्या जुगाड़ करोगे, जुगाड़ करेंगे कहाँ। दिल्ली में अमित से ज्यादा जुगाड़ किसी का नहीं है। हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है अमित एंड किट्टो जायसवाल के चैनल पे। बैग मैं ऑफिस से आता हूँ किट्टो रानी। ओ माय गॉड, पतिदेव हमारे नारियल का पानी लाया है, मुझे पता ही नहीं चला। और वो भी लाए थे, सिंगाड़ा भी लाए थे। बहुत जगह सिंगाड़ा, केवल समोसे को सिंगाड़ा बोलते है ना, कहाँ बोलते हैं कोलकाता में, मुझे नहीं पता कोलकाता में बोलते हैं। हम लोग कच्चा सिंगाड़ा जो खाएगा वो दूध की तरह हो जाएगा। ये फ्रेश वाला सिंगाड़ा है। हम लोग ये लाए ना, हम लोग ऐसे ही खा लिए और ये बोलने लगी अरे नाला में से निकलता है वो। तालाब में बनता है जी, तालाब में होता है ये सिंघाड़ा। आप लोग को पता ही होगा इसकी खेती तालाब में की जाती है। दिखाना क्लोजअप, तालाब में इसकी खेती की जाती है। और ये मेरे को ऐसे छिल के इसको अच्छे से साफ करके तब खाना चाहिए। किट्टो रानी कैमरा पकड़ना सीखो यार, किट्टो रानी को कुछ नहीं आता, बस खाने आता है। बस ये देखो किट्टो रानी ने पता नहीं क्या क्या बैट बॉल क्या क्या मंगा लिया जी, इतना शॉपिंग। ये सब दिवाली के लिए है, दिवाली की शॉपिंग चल रही भैया। आज अब तुमने वंदना दीदी का फोन टूट गया, नहीं दिना से गिरा था तो वंदना दीदी आईफोन लेने वाली है। सबको पता है कि नहीं आईफोन बड़े आदमी बन रही है। हाँ, बड़े आदमी बन गए, बन जाइए। हम तो चाहते हैं खूब करोड़पति बनिए। आईफोन मुझे कोई गिफ्ट कर रहा है, कौन कर रहा है? मेरे चाहने वाले, मेरा बॉयफ्रेंड। ओह माय गॉड, किट्टो के लिए भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है। क्या मालूम बहनी, हमने जिंदगी में एक खो दिए थे, हमको क्या दिए थे, वाच दिए थे। ओ जिंदगी का सपना टूट गया। दिए थे किट्टो जैसा कि हाँ 50,000 हुआ है तुम्हारा किस पे यूट्यूब पे, तो ये देते हैं। उसके बाद 1 लाख हो गया मेरा, 1.5 लाख होने वाला है। और इसके बाद मेरा मेरे बैग ऊपर पैर, इंस्टाग्राम पे भी 1 लाख हो गया। लेकिन ये हमको कुछ नहीं सरप्राइज दे रहे हैं। हाँ, इंस्टाग्राम का तुमको एक सरप्राइजिंग गिफ्ट रह गया जी। अब तुमको करवा चौथ पे इकट्ठे ले लेना तुम हमसे गिफ्ट। तो भैया तुम सब ले लो, मेरे कुछ नहीं चाहिए। नहीं, करवा चौथ तो तुमको स्पेशल मिलेगा, बड़ा सा गिफ्ट। हमने कल अपने किट्टो ब्लॉग के चैनल पे बोला था कि मैं कपड़े प्रेस करने जा रही हूँ ना, करते 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 हमने किया ही नहीं और ढेर सारा पति हमारे दे दिए थे प्रेस करने वाली आंटी को। हमारे घर में इतना फोन हो गया है कि एक फोन इधर एक फोन उधर गिरा रहा था, देख रहे हैं। गिरा था जी। इस आईफोन की कोई वैल्यू नहीं। टाइम इसी आईफोन से मैं कितने ब्लॉग्स बनाया हूँ। और क्या 150 ब्लॉग्स तो इसी से बना होगा। हाँ, ये वाला मोबाइल वही बीने की शादी में धोखा दे दिया था। तो मैं लेता ना, लेकिन अब इसको ठीक करवाऊंगा मैं और अच्छी तरीके। कहाँ जाने की पैकिंग कर रहे हैं? कहाँ जाने पैकिंग नहीं, कपड़े इतने हैं तो मैं रख देता हूँ सही से। तुम्हारे कपड़े अलग, अपने कपड़े अलग रखूंगा। यू नो, यू राइट। हाँ, यू राइट। चॉकलेट मंगाए, इसको चॉकलेटों का ही नहीं ले बोले थे तो बोले भी तब। एप्पल लाए हैं, क्या बोलते हैं, नारियल पानी लाए हैं। अच्छा आज तो, आज अकेले एक नारियल पानी दे दो पीने के लिए। आज हम नहीं पियेंगे, लो आज ये हम तुमको डोनेट करते हैं। लो ये देखो कितना अच्छा, ये ले लो आज पी लो, हम नहीं पियेंगे। देखो मासूमियत, आज ये ले लो। नहीं लाए कोई बात नहीं, आज हम बाद में चॉकलेट मंगाए। बोले आपके फोन भी किए थे कि चॉकलेट आज अकेले पी लो, आज हम नहीं पियेंगे। जाओ आज तुम अकेले पियो, जाओ ले आओ चाकू, इसको काट दे, ले सुना। मुझे प्यार कर करके तुमने मुँह में हाथ नहीं, फिर नहीं। चलिए दे दीजिए इसको। देखो आज 2 दिन मोबाइल नहीं चल रहा था, आग देखो अब सही लग रहा है थोड़ा सा। अरे यार आपकी बातें, नहीं इसको मोबाइल बिल्कुल नहीं है। दे दे बेटी, छितनी की तरह लगती है। जरूर कमेंट आएगा गाइस, ज्यादा से ज्यादा गंदा कमेंट करिए उसको। तू हर जगह बहुत बिगड़ी जा रही है, हर जगह एक्सरसाइज कर हाल नहीं है। सोनाक्षी टुलाना आज उसको दे दिए, जाने दो। फैमिली हमारी सही कहती है, सोनाक्षी ऐसी है, सही कहती है, कभी कभी झूठ कहते हैं सब फैमिली। रखो जी रखो आप उसको। आए भैया चूड़ी हमारी गिर गई पीछे, रखा सब। ज्यादा मत पीना, घुराई ज्यादा कहाँ जा रहे हैं, कहीं जाएंगे क्या? ये हमसे कह रहे थे वहाँ पे कि अरे अब कपड़ा ये बोले थे ना, कपड़ा प्रेस करके रखें, कहीं जाना रहेगा तो कुछ करने की जरूरत ही न पड़े, सब कुछ पैक रहे। दे कपड़ा ना, ये कपड़ा पहनी ना, ये वाला पहनी ना, ये वाला पहनी, पहन दोनों पैंट नहीं पहनी, मना किया इतना कपड़ा मत लेके जा, लेकिन ये वो चला रहा था, इसको नहीं सारा लेके जाए। अरे तो टाइम भी तो नहीं मिला, टाइम भी तो नहीं मिला। ये बोल रहे थे ना, ये कपड़ा मत पहनो, ये कपड़ा पहनो, ये कपड़ा मत पहनो, तुम्हारे सिचुएशन हिसाब से हर चीज बोल रहे थे ना। हाँ चलो ठीक है, इसमें आप मेरा रखो, इसमें तुम्हारा ही रखेंगे। तो लो बंदा जी शूट करो, ये वाला कपड़ा अच्छा लग रहा है, इसमें देखा वो पहनी थी, सब लोग बोल रहे हैं। अरे वो पहनी थी, ये देखिए व्हाइट वाला, हां जिसकी भैया की शादी उससे हुई थी। गाइस आप सबको पता है, ये पहले तीज पे हमने ये वाला साड़ी पहनी थी, ये वाला साड़ी पहनी थी, उस नया नया साड़ी सब तो था ही। हाँ उस टाइम मेरा सब नया, अभी भी कटहरा में मेरा बहुत अच्छा अच्छा साड़ी है, बस खाली हमको ब्लाउज नहीं होता है। किट्टो का भोग, हाँ हम उस दिन पहने थे, हुआ था मुझे, इसको मैं पहन सकता हूँ, फुल सोनाक्षी है कि आए कस घबराहट हो। सोनाक्षी का बढ़िया है, जो मौसी को नहीं हो जाए देखो, नहीं तो तुम्हारा साइज का साइज एक ही है, घुमाड़ा होती जा रही है। ये साड़ी हम पहने थे तीज पे, सही बात बताओ, ये शौक से ली थी, कभी पहनी नहीं तुम, जब से लिए तब से पहनने का मौका ही नहीं मिला, मौका ढूंढो तुम। ये सारा पतिदेव कहीं लग रहा जाने की तैयारी कर रहे हैं, हमको नहीं पता है कहीं जाने की तैयारी, पहले सब सामान एक जगह कर दे। तो मुझसे सो गाइस इसी बीच में हमारे पतिदेव को पैर में चोट लग गई। हड़बड़ा के बहुत जल्दी जल्दी काम करते हैं। और ये ऋषभ का ड्रेस है, बोल रहा है कि मैं अपनी फ्रेंड को दूंगा, ये हम मंगाए थे किस लिए, लेकिन हो गया किस लिए और ये सारा कपड़ा रख रहे हैं। ये भी साड़ी हमको, ये प्रिंट वाला मेरा और हमारे इनका नेम, मेरा और हमारे इनका होता है, चमक चांदनी का पहन वही उसी पे का है, ये नहीं होगा था नापो, नापे तो नहीं हुआ था। ये शादी का सारा ब्लाउज है, तो पढ़वा लो, खुलवा लो। अबे तुम्हारे पास वो सब भी ब्लैक कलर की साड़ी होगी ना, जो घर से इतना तुम्हारा ब्लाउज कलेक्शन, इतना ब्लाउज हमको लगा सिलाई मशीन लेके तुमको देना पड़ेगा, अपना सब सही करो बैठ करके, जितने सही करा उतने सिलाई मशीन आ जाएगा। अरे देखो नया कपड़ा चबा रहा है। सो गाइस डिनर का टाइम हो गया है और फाइनली ऋषभ खा रहा है, क्या तुम क्या खा रहे हो? हलवा। ऋषभ हलवा खा रहे हैं और हमारा बना है गोभी की सब्जी, पालक और ये पराठा बना हुआ है भरा हुआ, और राइस है। आज ये खाना खाएंगे हम लोग। तो अभी गाइस डिनर का टाइम हो गया, डिनर करके फिर मिलते हैं आप लोगों से, बने रहिए ब्लॉग में। नेक्स्ट मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। तो सुबह हो चुकी है और चाय नाश्ता पानी एकदम ब्रेड व्रेड लपेट लपाट करके बैग वैग एकदम तैयार हो गया ऑफिस जाने के लिए। और मेरा लिली खा रहा है लॉलीपॉप। क्या खा रहे हो लिली? तो इसका टीवी, इसका क्या बोलते हैं, एकदम मोबाइल बंद कर दिए हैं, लेकिन अभी थोड़ा बहुत तो इसको कंट्रोल, क्योंकि देखो जिसको इतना ज़्यादा लत लग गई थी मोबाइल चलाने की, उसने अचानक से छोड़ दिया, लेकिन इसको थोड़ा बहुत तो चलता है, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा टीवी में कार्टून का दे दिया कि टीवी में तुम कार्टून देखो। तो अब कार्टून देखता है, दूर है टीवी, तो अब धीरे धीरे टीवी भी बंद कर देंगे इसका। क्या रहे हो जी तुम लोग? अरे मेरा पहला करवा चौथ है यार, थोड़ा सा एक्साइटमेंट यार। किट्टो, बहुत सारे लोग कंफ्यूज में ये हैं कि किट्टो की शादी का दूसरा साल है, तो करवा चौथ पहला कैसे हुआ? और एक ने कमेंट भी किया कितना झूठ बोलती है, पिछले साल भी तो करवा चौथ थी, लेकिन शायद इन लोगों ने ब्लॉग सही से नहीं देखा था। नए होंगे ना, साफ साफ वर्डों में हमने बताया था कि देखिए जो मेरा पहला करवा चौथ जब मैं उठाने गई तो उस टाइम मनमास लगा था, हम लोग के यहाँ लगता है कुछ जैसे कुछ पक्ष लगता है, उसमें नहीं उठाया जो भी, मतलब कि नई नई शादी हुई थी, तो मतलब खुद नई शादी का कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। तो हमारे ससुराल से फोन आ गया था कि इस बार मत उठाओ, नेक्स्ट टाइम तुम उठा देना, मतलब नेक्स्ट ईयर तुम उठा लेना। तो इसके बाद मेरा ये फर्स्ट ही करवा चौथ रहेगा ना, उसके पहले मैं थोड़ी नहीं थी करवा चौथ। तो गाइस जिन लोगों ने ब्लॉग नहीं देखा है तो पहले जाकर क्लियर करो, बहुत सारे निगेटिव कमेंट आए थे उसको लेकर के, तो मैं आप सब लोगों को एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। जो पहला करवा चौथ था उस टाइम किट्टो ने करवा चौथ सेलिब्रेट किया था, लेकिन वो व्रत नहीं थी, जैसे एक मतलब कि करवा चौथ पे एक लेडीज करती है पूरा वैसे उसने किया था, लेकिन वो फास्ट नहीं थी। उस बात का उसको बहुत टेंशन था, क्योंकि हमारे घर से मना किया गया था उस टाइम। कुछ पितरपक्ष क्या चलता है जी? पितरपक्ष नहीं, वो कुछ चलता है, दिशा होता है, मनमास लगा था उस टाइम। जो जिनका पहला कोई व्रत होता है वो नहीं उठा सकती, इसलिए किट्टो नहीं कर पाई थी। बाकी हम लोगों ने करवा चौथ फुल एंजॉय किया, लेकिन इस साल इसकी बार धमाल होने वाला है, जबरदस्त करवा चौथ होने वाला है। मम्मी घर से भेजेंगे, मतलब कि मम्मी मेरी बोल रही थी कि अरे सारा सामान वगैरह मैं भेज दे रही हूँ, लेकिन हम बोले मम्मी जाने दो, सामान मतलब भेजोगी अब पता नहीं जैसे। लेकिन हमारे एडमिशन को कुछ अलग से स्पेशल है कि मम्मी लोग जो भेजेंगी ना थोड़ा अपने, हाँ मम्मी जो भेज रहे उनको भेजने दो ना उनके मन से, और क्या मना कर दिया, पागल हो गया उनको। मम्मी जो भेजेंगी अपने पसंद से भेजेंगी, लेकिन तुम सोचती हो उसे हाई भी आओ कुछ कहना नहीं, नहीं मतलब मम्मी मेरी नहीं, कुछ शुभ चीजें मंगा लो, बाकी उनसे बोल दो कि कुछ जो चीजें लेनी है तुम यहाँ से ले लो, तुम यहाँ से ले लो। नहीं मम्मी मेरी बोली ना कि अरे जैसे कि जो पहला करवा चौथ होता है जो मायके से आता है ना, तो वही पहना जाता है। तो मम्मी मेरी बोली कि अरे नहीं पागल, अब जो हमारे फैमिली जो व्यूवर्स हैं वो तो वेट करेंगे ना कि किट्टो के मायके से क्या चीज आएगा। तो हम देखो कुछ भी आए उसको लो, तुम सुनो, देखो हम बताते क्या करना है। जो मायके से आएगा उसको दिन में पहन के एक ब्लाउज बना लेना, और क्या दिन में पहन लेंगे। जो आएगा उसको खाना क्या बनाना पड़ता है, प्रसाद की जो तैयारी उस कपड़े में बना लेना। मम्मी को मैंने मना कर दिया, हम कहा कि मम्मी तुम जाने तो अरे भेजोगी इतना दूर से, मतलब बस खाली तुम करवा भेज देना और कुछ मत भेजना। कोई बात नहीं, तो मम्मी को बोल दो, पैसा दे देंगे तुम अपना खरीद लेना। नहीं मम्मी को बोल दो, क्योंकि तुम्हारा पहला करवा चौथ है, किट्टो मायके से आना चाहिए। क्यों ऋषभ को भी कोई करवा चौथ रखने वाली मिलेगी ना, फोन आज कर देंगे मम्मी को। कल ये तो मना किया है मम्मी को, हम तुमसे पूछी थी नहीं, ये भी तो थी, लेकिन कुछ बोली ही नहीं। ये बोली कि हम ओके भेजा, मम्मी के चलो नौ के भेज देंगे। हाँ, करवा चौथ में तो किट्टो की थाली तो आग रखी है, ये रख दी है थाली। मैं इसमें ना लैस वगैरह भी लगाऊंगी, सब ये बोल रही कि थोड़ा सा लगा दो, मतलब इधर साइड साइड में लगा दूंगी, अच्छा लगेगा देखने में। चलेंगे ना मदनगिर, कल से, मतलब कि कल से मेरा करवा चौथ की ब्लॉगिंग हो जाएगी। कल से करवा चौथ की ही ब्लॉगिंग होगी जबरदस्त वाली। कैसे अब ये मत कहिएगा कि आपने लहंगा लिया है तो भी इसको सिलवाने में टाइम सिलवाएंगे, ब्लाउज सिलवाएंगे। टेलर को दिए, टेलर बोल रहा है कि अभी नहीं है ऐसे नहीं वैसे। और जो क्या नाम है, अभी हम लोग का ना जो वहाँ पे इतना ढेर सारा, वहाँ से तो हम लोग कहीं टहल के तो जा नहीं सकते थे, तो बहुत सारे लहंगे जो है जो अभी हमारा यहाँ तक अभी पहुँचा नहीं है, तो इसलिए मेरे को बहुत टेंशन हो रहा है। मैं रोज, हमने जो सूरत से शॉपिंग की थी, हमने वहाँ से पार्सल कराया था, अभी तक वो आया ही नहीं है, वो आया ही नहीं। इतना टेंशन हो रहा है, नहीं आएगा फिर शॉपिंग करोगी मार्केट जाकर। हम सोचे थे उसमें से वंदना दीदी को दे देंगे, पहन लेगी, हम भी पहन लेंगे, लेकिन आया ही नहीं है अभी तक। हमको इसका इस बात की बहुत टेंशन हो रही है, नहीं आएगा खरीदना तो पड़ेगा तब। नहीं तो मेरे शादी का लहंगा नहीं है, देखते हैं शादी का भी। गाइस आप लोग बताइएगा, मेरे सागर, मेरा जो कोरियर अभी पार्सल नहीं आया हमको ना, मैं उनको रोज फोन कर रही हूँ, तो बोल रही है कि ये क्या बोलते हैं, ये 10वीं और ये दशहरा की वजह से ना अरे सारे पार्सल वगैरह रुक जा रहे हैं, तो हर जगह मतलब कि जिसको छुट्टियां होती है बहुत सारे लोगों के पार्सल नहीं जा रहे, तो ये चीज की मुझे बहुत टेंशन हो रही है। तो अगर नहीं आएगा, और जब आएगा तो उसको सिलने में, तो आजकल टेलर के पास करना। अरे मैं टेलर से पूछ के आई थी, मुझे बोला एक करवा चौथ की ब्लाउज सिलवाना है, कह रहा है कि नहीं सी पाएंगे, इतना महंगा दिया मेरा खुद ही नहीं सिया है, अभी 3 ब्लाउज सी दिया है। और जो कि हमारा परमानेंट टेलर उसको पता कि हम लोग उसी से काम करवाते हैं, वो लहंगा भी नहीं है, फिर कैसे सिलाएंगे। देखते हैं, कुछ न कुछ जुगाड़ करते हैं। आप क्या जुगाड़ करोगे? जुगाड़ करेंगे कहाँ? दिल्ली में अमित से ज्यादा जुगाड़ किसी का नहीं है, समझ रही हो? और क्या, इतने बड़े हॉस्पिटल एम्स, सोचो वहाँ करोड़ों का भीड़ लगी रहती है, हमारा 10 बजे तक काम हो जाता था। मेरे टाइम में तो मैं तो किसी चीज का वैल्यू नहीं समझी कि अमित जी का इतना दिल्ली में वैल्यू है, कोई जानता है। तुम्हारे टाइम वो ब्लॉग शूटिंग कर रहे हैं ना, उनके पास टाइम खुद ही नहीं मिलता है, और उस समय टाइम रहता था। तो हम क्या करेंगे अगर नहीं मिला? सोना बेटा तुम कुछ कहना चाहोगे? लेकिन आप लोग इस बार पक्का बताइएगा कि हम किस कलर का लहंगा, वैसे तो मेरा लहंगा ब्लू कलर का है, नेवी, वैसे जबरदस्त वही कलर का है, जबरदस्त टक्कर होने वाली है, जामुनी कलर का है, लेकिन पहनते हैं तो मैच करना, वही कलर आता है, देखते हैं। लेकिन हम मोटे हो गए, हम तो गए थे अपना ब्लाउज दीदी से ढीला करवा के आए थे, हम कहे कि अगर हम सोचे तुमको एक सिलाई मशीन दे देते हैं गिफ्ट। अरे भैया नहीं, हम सिलाई मशीन न चाहे, हम कहे भैया आप जाते दर्जी से करवाती है, 40 रुपए ब्लाउज का लेता है हमको वो सिलने, लेकिन आपको पता है जैसे कि ना जैसे कि अच्छा कपड़ा रहेगा उसका फिनिशिंग हमें मेरे से नहीं मतलब आएगा। देखो ढीला टाइट तो कर सकती हो ना, उसके लिए बोल रहा हूँ मैं, ब्लाउज सिलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। हाथ वाला ले लेंगे एक तुमको दिला, क्योंकि घर में रहेगा ना सही रहेगा इतना ब्लाउज। अभी थोड़ी ना दोगे क्या, अभी दे दोगे करवा चौथ है तुम्हारे लिए, कि हम बढ़िया सरप्राइजिंग गिफ्ट तैयार कर रहे हैं किट्टो रानी। लीजिए देखते हैं कितना सरप्राइज गिफ्ट जो भी देते हैं ले लेते हैं आप। नहीं अब की बार देने वाला ही लेंगे। तो दीदी कल से शॉपिंग करना स्टार्ट करें। हमारे हस्बैंड तो कल ही बोल रहे थे, हमें मना कर दिया। हाँ जी कल छुट्टी थी, ली थे बोले कि चलो तो तुमको जो लेना है ले लो, फिर हमको फिर छुट्टी लेना पड़ेगा, फिर कहो कि भाग दौड़ो। लेकिन क्या नाम है अभी मार्केट अभी तो 10वीं कल 10वीं सामान भी अच्छा नहीं मिलता, दुकानें भी बंद रहती कितनी। ज्वेलरी भी लेना है, ठेले पहने एकदम अरे जोधा अकबर की तरह जो नहीं था ना, तो वैसा पहनने का मन कर रहा है मेरा। घर पे होते खूब गहना गुड़िया पहनते सारे गाइस। मैं यहाँ पे अपना कुछ भी नहीं लाई हूँ। हमने मेट्रो सिटीज में अगर आप बाहर रहते तो फिर वो ज्वेलरी रखना सेफ नहीं होता है, हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं रखते हैं। इवन जो किट्टो कान का भी पहने वो भी रोल खोल कर। आपको पता है कि नहीं 5 दिन जाए 4 मतलब कि 24 तारीख को मतलब 24 को है करवा चौथ, उसके 4 दिन पहले फेशियल कराएंगे और ये सब करवाएंगे। अपना नेल ये ना हटवा करके ये अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं नेल कलर हटवा लेना, कलर हटवाएंगे कल। थोड़ा जाती हो जल्दीबाजी में, हम लोग को पूछो ना इतना रात हो गया तो ना जो तो ये से लंबा किया ना तुम्हें, थोड़ा ये गोलाई में करती है, गोलाई वाला अच्छा लगता है नेल में। जो तुम्हारा ऐसे बिल्लियों की तरह निकला है ऐसे, उसका कलवा नहीं रहता है। मजाक उड़ा रही है। मजाक नहीं वैसे चलोगी तो ऐसे ये चीज है ना जो, तो इसको थोड़ा सा गोलाई में ये चीज अच्छा लगता है वाला नेल। चलो ठीक है चल जाएंगे। अच्छा वो तो कर देंगे, वो तो वैसे भी ये छूट रहा है मेरा, तो हम उसको दिखाएंगे ना कि छूट रहा है। तो गाइज आप लोग भी करवा चौथ की तैयारी कर ही रहे होंगे, जिसका पहला करवा चौथ रहता है, पहला हो या सेकेंड वाला हो करने वाले। तो यार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए किस किस का पहला करवा चौथ है। होता है रिंकी दीदी, तुम सब इनका रिंकी दीदी, इनका रिंकी नाम है, सबको पता है कि नहीं। इनका चिंकी नाम है। हाँ मेरा बहुत कुछ नाम है। लेकिन चाहे करवा चौथ चाहे नया हो या पुराना, लेकिन उस दिन लोग स्पेशल जैसे शादी होती है वही चीज स्पेशल मानते हैं। पता ही नहीं चलता, भले फास्ट रहते हैं। और एक बार तो दीदी ने गांव में भी मतलब कि घर मायके में भी मनाया था ना, उसमें सोनाक्षी पेट में। गांव में करवा चौथ उतना मजा नहीं देता ना। नहीं अब हर जगह होने लगा है। आपको पता है मेरे गांव में ना कहीं नहीं होता था। मेरे सामने में एक जैसे कि चौरसिया है, जो हमारे शादी में पान का पान ना लगाए थे, तो उनकी वाइफ ना पूरे मतलब कि अपने साइड में वो अकेले करवा चौथ रहती थी। शादी जब उनकी हुई थी पहले और कोई रहता नहीं था। हम लोग क्या करते ना छत पे जाकर देखते थे, बहुत अच्छा लगता था। कोई नहीं रहता था उन लोग का, देखो ये छत पे ही पूजा होता है, घर के अंदर बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। बहुत नहीं पूजा नीचे करते हैं, जो जल और देते छत पर देते हैं, सब कुछ छत पे ही। हाँ तो वो अपना चंद्रमा के हिसाब से मेरी जहाँ ऊपर ही करते हैं। दीदी भी तो छत पे ही करते, हम जब करते थे ऊपर ही करते थे। क्या छत पे इस बार जगह भी रहेगा, आप लाइट वेट लगा देंगे, कर सकते हो पूजा। छत पे ही कर लेंगे। यहाँ जगह ले जाएगा सामान, बार हम तो थक जाएंगे ऊपर। एक बार जाएंगे ये सब लेकर आएंगे, छत पे सही रहेगा, छत पे कर लेंगे। तो वही 8 बजे पूजा करोगी तब जाकर होगा, 9 बजे तो चंद्रमा निकल जाएगा। हाँ तो गाइस अब हम सोच रहे हैं कि कल से अब हम लोगों का करवा चौथ से रिलेटेड सारा ब्लॉग आएगा। अब कल जाएंगे पार्लर में बात करने, मतलब बुकिंग करने जाएंगे, मतलब कि मेकअप से लेकर के फेशियल ब्लीच वगैरह सब कुछ करवाएंगे। तो ये ब्लॉग हमारे में आएगा और बंदादी का बंदादी में आएगा। ये कौन सा फेशियल कराएंगी, इनका स्किन कैसा, मेरा स्किन कैसा, बात करके आए हैं पार्लर में। तो हम नहीं बात किए है ना, हम जाएंगे बुकिंग करने ना, पार्लर बुकिंग करने हम उससे बात किए थे, कंफर्म नहीं किए। हम कह कि हमारी बहन आ जाएगी तो हम बताएंगे, क्योंकि अरे घर पर आकर सब कुछ करवाएंगे हम। हाँ वो पार्लर जाएंगे, मैं सच के आऊंगी। फिर मार्च में देखते हैं ना, बड़ा अजीब सा लगता है। मुझे तो वैसे कोई नहीं दिखा था जब हम आए थे तैयार होकर के। देखा तो पूरा जमाना था, तुम्हें लग रहा है नहीं देखा था। तुम्हें लगा नहीं, लेकिन कोई देखता है ना तो अजीब सा लगता है। इन लोगों की बहुत जबरदस्त प्लानिंग होने वाली है यार। हम लौंडों के लिए कुछ नहीं होता है यार। इस बार करा जाते हम लोग ने कलर पहने क्या मैच, हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं होता है। हम जिस कलर का पहनेंगे उसी कलर का आप भी ड्रेस हाँ ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थीम कुर्ता पैजामा रेड कलर का है ना इनके पास, थीम कलर वो ही रेड नहीं पहनेंगे, लेकिन आप कुर्ता पहनोगे तभी अच्छा लगेगा। कुर्ता पैजामा खिलवा लें एक बढ़िया सा जिस कलर का। चलिए पहले पहले पता पहले देखिए मेरा परसलवा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतना लहंगा लिए हैं हम तो दिवाली के लिए, तो अपने लिए लहंगा मंगाया मीशो से। मीशो है इंडिया का प्रचार करने लगे। मेरा बहन चुका है हमारे घर में सब मीशो की। मेरी लेडी के लिए क्या आ रहा है, सब लोग एक कलर का पहनेंगे, बहुत सुंदर लगेगा ना। अब की बार हम लोग कुछ स्पेशल करवा चौथ करने वाले हैं और आप लोग हमारे परिवार का करवा चौथ का फेस्टिवल के दिन जो सेलिब्रेशन होगा वो आप लोग जरूर देखिएगा। अगर हमारा सारा लहंगा आ जाएगा तो दिवाली में दिवाली पर धमाली हो जाएगा, धमाली हो जाएगा बाय गॉड। और बहुत ढेर सारी आप लोग को खुशखबरी मिलने वाली आने वाले समय में। हम लोग का ब्लॉग बिल्कुल भी स्किप मत करिए क्योंकि बहुत सारी चीजें होने वाली है लाइफ में। सो गाइज आज का ब्लॉग काफी बड़ा हो गया है, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।